हेलो, दिस इज डॉक्टर प्रगति रस्तोगी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लर्निंग एंड मेमोरी। इसमें लर्निंग के केवल तीन टाइप्स आज डिस्कस करेंगे, जो है हैबिचुएशन, कंडीशनिंग और लेटेंट लर्निंग। सबसे पहले यह स्वघोषणा है कि यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। आर्थिक, वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी और के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे और इसका उपयोग व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिए ही करेंगे। इस ई कंटेंट में जो जानकारी की गई है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है। जो भी कोई एनिमल होते हैं वो अपने एनवायरमेंट में अच्छे तरीके से फिट होते हैं, वो अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और ये जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं इसके कारण उनके बिहेवियर में कुछ ऑल्टरेशन आते हैं। ये जो एबिलिटी है ऑल्टरेशन ऑफ बिहेवियर की, दिस कम्स थ्रू लर्निंग ऑफ द राइट रिस्पॉन्सेस। इंस्टिंक्ट और लर्निंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। इंस्टिंक्ट और लर्निंग दोनों ही एनिमल्स के बिहेवियर में देखे जाते हैं जब एनिमल्स अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। एनिमल्स कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियरल फॉर्म को या तो इनहेरिट करते हैं या फिर उसको लर्निंग के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, और इंस्टिंक्ट और लर्निंग जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इंस्टिंक्ट और लर्निंग में कुछ डिफरेंसेस हैं। इंस्टिंक्ट जो है वो नर्वस सिस्टम में सेंटर्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, जबकि लर्निंग जो है दिस इज द एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम टू एक्वायर द राइट रिस्पॉन्सेज। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज द प्रोसेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ रेस, जबकि लर्निंग जो है दिस इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल इटसेल्फ। इंस्टिंक्ट एक रेडीमेड टूल की तरह काम करते हैं जो कि एनिमल को उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, जबकि लर्निंग जो है स्लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट के कारण उत्पन्न होती है। इंस्टिंक्ट जो है वो स्पीशीज की मेमोरी के साथ रिलेटेड होती है, जबकि लर्निंग किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरी से रिलेटेड होती है। इंस्टिंक्ट उन एनिमल्स के लिए सूटेबल है जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, जबकि लर्निंग उन एनिमल्स के लिए यूजफुल है जिनका लाइफ स्पैन थोड़ा बड़ा होता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियरल पैटर्न लो ग्रेड एनिमल्स में कॉमन होता है, जबकि लर्निंग बिहेवियरल पैटर्न हायर ग्रेड एनिमल्स में कॉमन होता है फ्रॉम इंसेक्ट्स टू मैन। इंस्टिंक्ट किसी भी एनिमल को जो उन कंडीशंस के लिए कोप अप करने में सहायता नहीं कर पाता है जो कि अचानक से आती उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ अगर कोई सिचुएशन अचानक से उत्पन्न होती है तो लर्निंग में से ग्रेटर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, क्योंकि एनिमल के पास कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने एनवायरमेंट के जिससे कि वो अचानक इस उत्पन्न हुई स्थिति के साथ कोप अप कर सकता है। इंस्टिंक्ट ऑफ और लर्निंग दोनों ही अडैप्टिव बिहेवियरल प्रोसेसेस हैं और उनको आसानी से डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। कुछ एनिमल्स में दोनों ही प्रकार के बिहेवियरल पैटर्न्स देखे जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कोई हंग्री एनिमल या रैट है उसको आप एक स्किनर बॉक्स में रख दीजिए और उसको लीवर प्रेस करने से अगर फूड पैकेट मिलता है तो धीरे धीरे वो रैट या माइस जो है वो लीवर प्रेस करना सीख जाता है। दूसरी तरफ अगर एक वर्जिन फीमेल रैट है उसको एक्सोजिनस हॉर्मोन्स दे करके उसको रिसेप्टिव किया जाता है और वो पहली दफा मेल रैट के संपर्क में आती है तो वो अपना एक नॉर्मल एक्सेप्टेंस पोस्चर शो करती है, जो कि एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की पहचान है। लर्निंग के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि थॉर्पे ने 1963 में एक डेफिनेशन दी थी। उनके अनुसार लर्निंग इज द प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय अडैप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उनके हिसाब से जो अडैप्टिव चेंजेस होते हैं बिहेवियर में जो कि एक्सपीरियंस के कारण उत्पन्न होते हैं, और थॉर्पे की डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है कि लर्निंग जो है वो अडैप्टिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है और इन अडैप्टिव चेंजेस की वजह से कुछ फ्रेश बिहेवियरल पैटर्न्स जो है वो आते हैं। दूसरा है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप्स चेंज हो सकती हैं और जो रिस्पॉन्स का अपियरेंस है वो अनआइडेंटिकल या जो पहले के रिस्पॉन्सेज हैं उनसे डिफरेंट होता है। जो इसका दूसरा मेन आस्पेक्ट है वो है कि लर्निंग को आप मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली थ्रू रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टेस्ट्स। कुछ अलग डेफिनेशंस और भी हैं, जैसे कि किम्बल ने 1961 में एक डेफिनेशन दी थी और उन्होंने स्ट्रेस किया था चेंज इन बिहेवियर के ऊपर कि लर्निंग के कारण बिहेवियर में चेंजेस आते हैं।
लेकिन उनके अनुसार जो बिहेवियर में चेंज आता है वो पोटेंशियल ऑफ बिहेवियर में चेंज होता है, जबकि बिहेवियर पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं होता है, केवल डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वो बदल जाती है। दूसरी डेफिनेशन जो है वो कहते हैं कि बिहेवियर में कुछ परमानेंट चेंजेस आते हैं, जैसे कि मिलर ने 1967 में बहुत सारे ग्रेड्स उन्होंने लर्निंग के दिए थे, उन्होंने लर्निंग को कैटेगराइज किया था इनटू ग्रेड्स एज ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एटसेट्रा। डोनाल्ड एंड ड्यूसबरी ने 1971 में लर्निंग को डिफाइन किया एज चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि हैबिचुएशन, कंडीशन या एसोसिएटिव लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग और इम्प्रिंटिंग। सबसे पहले हैबिचुएशन। हैबिचुएशन जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की, और इसमें जो इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एनिमल टू स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू इट। अगर कोई स्टिमुलस एनिमल को बार बार दिया जाता है तो एनिमल उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। थॉम्सन एंड स्पेंसर ने 1966 में कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। तो एनिमल जो भी हैबिचुएट होता है किसी स्टिमुलस के लिए वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा अगर बहुत समय के बाद वही स्टिमुलस उसको दोबारा दिया जाए, लेकिन ये पीरियड कुछ लिमिट में होना चाहिए और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। हैबिचुएशन को बहुत तेजी से आप पूरा कर सकते हैं अगर हैबिचुएशन ट्रेनिंग और स्पॉन्टेनियस रिकवरी को के ट्रायल्स बार बार रिपीट किए जाएं। काफी हद तक हैबिचुएशन जो होता है स्टिमुलस स्पेसिफिक होता है, लेकिन कई दफा जनरलाइजेशन भी हो जाता है। अगर एक जैसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हैं तो एनिमल उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। डिसहैबिचुएशन होता है अगर जो हैबिचुएटेड एनिमल है वो उससे अधिक तीव्र किसी उसको स्टिमुलस दिया जाता है, तब डिसहैबिचुएशन भी हो सकता है। और ट्रू हैबिचुएशन जब होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस में तब्दीली के कारण होता है, लेकिन उसके फैटीग के कारण नहीं होता है। हैबिचुएशन इज कैरेक्टराइज बाय नॉट बाय द एक्विजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्सेज बट बाय द लॉस ऑफ ओल्ड वंस। क्लार्क के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे हैबिचुएशन में। उनका जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था वो नीरीज था। नीरीज जो कि टाइडल जोन में रहता है और सरफेस फीडर है, और उसके ऊपर बार बार पानी की लहर आती है। तो यदि हर दफा जब पानी की लहर आती है नीरीज अपने बिल में वापस चला जाएगा तो उसका फीडिंग टाइम कम हो जाएगा। इसलिए नीरीज जो है वो हैबिचुएट हो जाता है धीरे धीरे, और वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है स्टिमुलस के प्रति। हैबिचुएशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एनिमल्स में, और काफी एनिमल्स में पाया जाता है फ्रॉम प्रोटोजोन ऑनवर्ड्स, लगभग सभी एनिमल्स में पाया जाता है। हैबिचुएशन के द्वारा एनिमल्स जो है अपने एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, और जो न्यू बॉर्न एनिमल्स होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ थ्रेट होता है जब भी वो किसी नई चीज के संपर्क में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नए स्टिमुलाई के प्रति अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं और उनको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में सहायता मिलती है। जो दूसरी टाइप की लर्निंग है वो है कंडीशन या एसोसिएटिव लर्निंग। कंडीशनिंग जो है वो एक ऐसे प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें एक नॉन स्टिमुलस के एप्लीकेशन से एनिमल के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। कंडीशनिंग दो प्रकार की होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरॉन्ट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और दोनों ही प्रकार की कंडीशनिंग को एक साथ एसोसिएटिव लर्निंग के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसको हम इवान पावलोव के फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट के रूप में जानते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग में एक एसोसिएशन होता है कंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, और ये जो एसोसिएशन है ये रिपीटेड प्रेजेंटेशंस के बाद काफी हद तक पक्का हो जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि इस केस में एक फूड सोर्स है, ये अनलर्न्ड है, और इसके द्वारा जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है अनकंडीशन रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड। नेक्स्ट इज कंडीशन स्टिमुलस, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में साउंड है और ये लर्न्ड है, और इससे जो कंडीशन रिस्पॉन्स आता है दैट इज द सलाइवरी सीक्रीशन। क्लासिकल कंडीशनिंग को क्वांटिफाई किया जाता है बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स फॉर्म, जो कंडीशन रिफ्लेक्स बनता है, और लेटेंट पीरियड के द्वारा कि जब कंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है और उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स आता है उसके
बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज द लेटेंट पीरियड, कि लेटेंट पीरियड कितना लंबा या छोटा है। तीसरा है बाय री इन्फोर्समेंट काउंट्स, कि कितनी बार आपको री इन्फोर्समेंट देने पड़ रहे हैं जबकि इनिशियल कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और लास्ट है परसेंटेज ऑफ ट्रायल्स, कि कितनी बार ट्राई करना पड़ता है कंडीशन स्टिमुलस के प्रेजेंटेशन के द्वारा जबकि आपको कंडीशन रिस्पॉन्स मिलेगा। इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो था फूड, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था सलाइवा। उन्होंने जो सलाइवा के ड्रॉप्स थे उनको इकट्ठा किया और उनको काउंट किया, और जो इसमें कंडीशन स्टिमुलस था दैट वॉज द साउंड ऑफ द मेट्रोनीम या घंटी की आवाज, और कंडीशन रिस्पॉन्स जो था दैट वॉज अगेन सलाइवा। शुरुआत में जब उन्होंने जब भी भोजन दिया डॉग को उन्होंने मेट्रोनीम बजाया, तो धीरे धीरे डॉग की कंडीशनिंग हो गई कि एट द साउंड ऑफ द मेट्रोनीम ऑल्सो द डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जब आप कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कि जब पेयरिंग करते हैं कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की, तो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस जो होते हैं वो कंटिगुअस होने चाहिए। कंटिगुअस का मतलब है कि दोनों साथ साथ दिए जाने चाहिए, या तो जो कंडीशन स्टिमुलस है वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी अवस्था में कंडीशन स्टिमुलस बाद में दिया जाता है तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो इसके मेजरमेंट के लिए जो अमाउंट ऑफ सलाइवा या ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा है अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस दोनों ही केस में उनको काउंट किया जाता है, और इसको टेस्ट करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले केवल अनकंडीशन स्टिमुलस देते हैं, उसके बाद अनकंडीशनड और कंडीशन स्टिमुलस को दिया जाता है अलग अलग, उसके बाद कंडीशन एंड अनकंडीशन स्टिमुलस को कंटिगुअस सिचुएशन में दिया जाता है, और कंडीशन एंड अनकंडीशन स्टिमुलस को फिर पेयर किया जाता है, लेकिन जो कंडीशन स्टिमुलस है वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले दिया जाता है। जब दो स्टिमुलाई दिए जाते हैं जिसमें से कि एक कंडीशन है अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। क्लासिकल कंडीशनिंग अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग, जब अनकंडीशन स्टिमुलस को पेयर किया जाता है किसी कंडीशन स्टिमुलस के साथ कुछ काफी नंबर ऑफ टाइम्स, और उसके बाद जब केवल कंडीशन स्टिमुलस से रिस्पॉन्स मिलना प्रारंभ हो जाता है, तो जो डायरेक्ट पेयरिंग है कंडीशन स्टिमुलस की अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ कंडीशनिंग में जो पेयरिंग ऑफ प्रेजेंटेशन है कंडीशन स्टिमुलस की, जैसे कि साउंड ऑफ बेल, उसके साथ में एक सेकेंड कंडीशन स्टिमुलस जैसे कि लाइट है, उसमें एनिमल जो है रिकंडीशन हो जाता है सेकेंड कंडीशन स्टिमुलस के लिए, इसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते हैं। देन पॉजिटिव कंडीशनिंग, अगर कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो बेनिफिशियल है एनिमल के लिए, जैसे कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स था उसको पॉजिटिव कंडीशनिंग बोलते हैं, लेकिन अगर कंडीशन रिस्पॉन्स नेगेटिव रीइन्फोर्सर हो जाता है तो उसको नेगेटिव कंडीशनिंग कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है एनिमल्स के लिए, इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों प्रकार के एनिमल्स में, जैसे प्राइमेट्स में, ह्यूमन बींग्स में। बहुत सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी क्योर किए जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा, जैसे कि फ्रेमर ने 1963 में एक ब्लैंकेट बनाया था विच वॉज यूज टू ट्रीट द इंस्टांसेस ऑफ बेड वेटिंग अमंग चिल्ड्रन। बेड वेटिंग की कंडीशन को इन्यूरेसिस कहते हैं। इसमें जो बच्चा है जब उसका यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंड होता है तो वो उठ नहीं पाता है, जिसकी वजह से बेड वेटिंग की समस्या होती है। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट बनाया जिसमें कि अनकंडीशन स्टिमुलस था साउंडिंग ऑफ बेल, जिसकी वजह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है बच्चे में दैट इज वेकिंग अप, जिससे कि बच्चा उठ पाता है। तो इसको इन्होंने पेयर किया यूरिनरी ब्लैडर के डिस्टेंशन से, कि जब भी यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंड होता था तो घंटी बजती थी, धीरे धीरे बच्चा जो है वो कंडीशन हो जाता है, और जो कि कंडीशन स्टिमुलस है डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वो उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, तो इस प्रकार से डिजीज क्योर हो जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग साथ ही बिहेवियर साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से एनिमल्स में कंडीशनिंग होती है अपने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति।
नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज इंस्ट्रूमेंटल या ऑपेरेंट कंडीशनिंग। इसमें दो प्रकार के बिहेवियर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, एक तो है ऑपेरेंट बिहेवियर और दूसरा है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ऑपेरेंट बिहेवियर में रिस्पॉन्सेज जो है वो एक स्पॉन्टेनियस एक्शन की वजह से होते हैं विदाउट एनी स्टिमुलस, जबकि रिस्पोंडेंट बिहेवियर में वो एक रिस्पॉन्स के सापेक्ष उनका बिहेवियर आता है। ऑपेरेंट कंडीशनिंग में ऑपेरेंट रिस्पॉन्स को रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड के द्वारा स्ट्रेंथन किया जाता है, इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो बिहेवियर एनिमल का जो बिहेवियर है वो उसके एनवायरनमेंट को चेंज करने में सहायक होता है। इस प्रकार की कंडीशनिंग में एनिमल को एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि जिसमें कि वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स ही देगा, और उस अगर उसको रिवॉर्ड चाहिए तो उसको वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले कंडीशन्ड स्टिमुलस होता है, जैसे कि लीवर कंडीशन्ड या ऑपेरेंट रिस्पॉन्स है जो कि है लीवर प्रेसिंग। उसके बाद रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस है आरएस, जो कि है फूड या ब्रेड पीस। और अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स सबसे बाद में आता है जो कि कंज्यूमेटरी एक्ट है ईटिंग का। इसमें जो लर्निंग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स बाय द रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ट्रायल और एरर लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि एनिमल्स इसमें ट्रायल और एरर के द्वारा ही सीखते हैं कि किस रिस्पॉन्स से उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन एपेटाइट। इसमें इस यहाँ पर आप एक रैट को देख सकते हैं जो कि एक स्किनर बॉक्स में है। यहाँ पर एक लीवर है, जब रैट इस लीवर को प्रेस करता है तभी ये फूड पैलेट आता है, और जो कि उसका रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस है जिसको कंज्यूमेटरी एक्ट उसके बाद में वो उसको भोजन को खा लेता है। इसी प्रकार से ये दूसरा स्किनर बॉक्स है जिसमें अलग अलग बटन्स हैं। एक पर्टिकुलर बटन पे पैक जब ये पिजन करेगा तभी उसको फूड पैलेट मिलेगा। तो धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के द्वारा ये पिजन सीख जाता है कि उसको किस पॉइंट पे पैकिंग करनी है, अपनी चोंच मारनी है जिससे कि उसको फूड पैलेट मिल जाए। तीसरा है एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन अवॉइडेंस। इस एक्सपेरिमेंट में इसमें रैट को अवॉइड करना होता है कि उसको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे, एक अवर्सिव स्टिमुलस को उसको अवॉइड करना है। ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही लाइट जलती है तुरंत रैट को दूसरे चैम्बर में जाना होता है, अगर वो तेजी से नहीं जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है। तो धीरे धीरे ये रैट तेजी से यहां पर जाना सीख जाता है टू अवॉइड द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब भी घंटी बजती है तो रैट को तुरंत से ये दरवाजे के थ्रू दूसरे चैम्बर में जाना होता है, अगर वो देरी करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है। तो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर बेस्ड ऑन अवॉइडेंस। देन रेडियल मेज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एनिमल को डिस्क्रिमिनेट करना होता है अपने अलग अलग रास्तों में जहां पर उसको भोजन तक पहुंचना होता है। तो ये भी ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखता है कि किस आर्म में उसको भोजन प्राप्त होगा और किस आर्म में नहीं होगा। देन एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। ये लेशले स्टैंड है जिसमें कि जो ब्लैक सर्कल है वो दर्शाता है कि दरवाजा खुला हुआ है और व्हाइट सर्कल दर्शाता है कि दरवाजा बंद है। तो ब्लैक सर्कल की तरफ ही रैट को कूदना होता है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना होता है कि उसको ब्लैक की तरफ जाना है या व्हाइट की तरफ जाना है जो अगर उसको एस्केप करना है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है एनिमल्स को करेक्ट ट्रेनिंग देने में बहुत अधिक सहायक होती है। जैसे कि जब डॉग्स को ट्रेन किया जाता है तो अगर वो अपना पंजा उठाते हैं तो उनको रिवॉर्ड किया जा सकता है। इसी तरीके से जो फार्म एनिमल्स हैं जिनको कि बाड़ों में रखा जाता है वहां पर भी इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग उनको सहायक होती है ईटिंग और ड्रिंकिंग में। और विसरल कंडीशनिंग जो रैट्स में होती है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के द्वारा अचीव की जा सकती है। क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो कंपैरिजन है, सबसे पहले हम उसके डिफरेंसेस लेंगे, क्योंकि इन दोनों ही लर्निंग में सेम प्रिंसिपल्स यूज होते हैं लेकिन उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती हैं।
क्लासिकल कंडीशनिंग में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट सेम रहेगा, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो एनिमल का रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग होती है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग नहीं होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिवॉर्ड आता ही है, एनिमल का बिहेवियर कुछ भी हो, उसका रिस्पॉन्स कुछ भी हो, उसको रिवॉर्ड मिलता ही है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जब तक डिजायर्ड रिस्पॉन्स एनिमल नहीं देगा उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जो सिमिलैरिटीज हैं क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, सबसे पहला है एक्विजिशन। दोनों ही कंडीशनिंग में एक्विजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्स, मतलब कि एनिमल एक रिस्पॉन्स को एक्वायर करता है, और आप इसको मेजर भी कर सकते हैं बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स और लेटेंट पीरियड कितना गया उस रिस्पॉन्स में, कितने रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत पड़ी उसके लिए। दूसरा है एक्सटिंक्शन। दोनों ही प्रकार से की गई लर्निंग का एक्सटिंक्शन हो जाता है अगर एनिमल को काफी समय तक प्रॉपर रिवॉर्ड ना मिले, तो ये जो उसने सीखा है वो उसको भूल जाता है। तीसरा है जनरलाइजेशन। अगर कोई एनिमल को एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए या स्टिमुलस के लिए कंडीशनिंग की गई है तो उससे क्लोजली रिलेटेड स्टिमुलस के प्रति भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। देन डिस्क्रिमिनेशन। अगर बहुत सारे स्टिमुलाई एक जैसे हैं लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को ही रिवॉर्ड किया जाता है, तो एनिमल धीरे धीरे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट या डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। देन कंटिग्युटी। जो पेयरिंग है कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की कंडीशनिंग प्रोसेस में, वो कंटिग्युअस होनी चाहिए या साथ साथ दिया जाना चाहिए। देन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट दोनों ही केसेस में नेसेसरी है अगर आपको रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स लेना है। देन इंटरफेरेंस। अगर इस बीच में कोई और लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वो इंटरफेयर करता है कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स के साथ या कंडीशनिंग एबिलिटीज के साथ में। देन रेपिटेशन। दोनों ही कंडीशनिंग को अचीव करने के लिए रेपिटेशंस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और रिवॉर्डिंग भी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में जो रिस्पॉन्स एक्वायर किया है किसी भी एनिमल ने वो एकदम से एग्जिबिट नहीं होता है या डिस्प्ले नहीं होता है, वो बाद में अचानक से एक्सप्रेस होता है। इस वजह से इसको लेटेंट या हिडन टाइप ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि क्योंकि एनिमल्स अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करते रहते हैं और क्यूरियोसिटी के कारण वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, तो ये एक पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो कि बहुत समय तक अनरिवॉर्डेड रहती है। जब वो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है अननोटिस्ड रहती है और अनरिवॉर्डेड रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे अचानक से कोई सही शब्द बोल देते हैं सही समय पर, इसी तरीके से इंसेक्ट्स और बर्ड्स जब अपनी होम टेरिटरी फिक्स कर लेते हैं तो उनकी जो फ्लाइट्स होती हैं वो हमेशा अपने घर की तरफ ही ओरिएंटेड होती हैं। लेटेंट लर्निंग पर्टिकुलरली एडवांटेजेस है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्योंकि जब अचानक से कोई नई सिचुएशन आती है तो वो अपने प्रेडेटर्स को अवॉइड कर सकते हैं और उनको भोजन की खोज में भी सहायक होती है। इसमें जो ये मेज का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर अगर किसी भी रैट को एक मेज में छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए और उसको 10 दिन तक वहां पे कोई भी रिवॉर्ड ना मिले लेकिन फिर भी वो उसके रास्ते सीख जाता है, और 11वें दिन अगर उसको एक स्थान पर उसमें भोजन रख दिया जाए तो जो रैट पहले से उस मेज को घूमता आ रहा है वो जल्दी उस भोजन तक पहुंच जाएगा, जबकि वो रैट जो पहली दफा उस मेज में गया है वो अपने भोजन तक देर में पहुंचेगा। थैंक यू। दीज आर द books and papers that I have consulted for this lecture.